हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। भारत सरकार के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसकी एक वीडियो पहले ही बन चुकी है, यह इसकी दूसरी वीडियो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे CGL हो, CHSL, MTS, रेलवे या UP पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस पर काफी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया? वो क्या ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया, ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन सतर्क या ऑपरेशन देवी शक्ति? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं कि यह प्रारंभ हुआ था 11 से 17 अगस्त 2023 में। इसका उद्देश्य था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाना। सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर घुसपैठ व तस्करी की आशंकाओं को देखते हुए ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट, कि भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? क्या ऑपरेशन वनीला था, ऑपरेशन प्रवाह, ऑपरेशन सुदर्शन या ऑपरेशन बंदर? तो यह काफी फेमस सर्जिकल स्ट्राइक था, यह सबको पता है। तो इसका जो कोड नेम था वह था ऑपरेशन बंदर। इसका प्रारंभ हुआ था 26 फरवरी 2019 को। कारण क्या था? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमले में 40 CRPF कर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस घटना से सेना के भीतर अपने बलिदानों के बलिदान का बदला लेने के लिए जोश और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 युद्धक विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में दस्तक दी और आतंकवादियों के ठिकानों पर बम गिराने शुरू किए। जहां बम गिराए गए वहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने थे। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक से भी सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट, की NIA और प्रवर्तन निर्देशालय ED ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया? क्या ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन देवी शक्ति या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑपरेशन ऑक्टोपस, यह करेक्ट है। प्रारंभ हुआ था सितंबर 2022 में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ED ने PFI के खिलाफ देश भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत देश के 15 राज्यों की 90 से ज्यादा जगहों पर PFI के शीर्ष नेताओं और सदस्यों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की गई थी। नेक्स्ट, की ऑपरेशन गरुण निम्न में से किसकी पहल है? क्या भारतीय सेना की, विदेश मंत्रालय, CBI या NIA की? तो जो ऑपरेशन गरुण है वह CBI की पहल है। इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं कि यह अक्टूबर 2022 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य इसका था एक नेटवर्क को खत्म कर देने के लिए और CBI द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए और अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए CBI ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में यह वैश्विक अभियान शुरू किया। गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना था। नेक्स्ट, की भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किस देश से है? क्या पाकिस्तान से है, उज्बेकिस्तान, तुर्की या अफगानिस्तान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफगानिस्तान। प्रारंभ हुआ था यह अगस्त 2021 में। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाना इसका उद्देश्य था। अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के पतन और राजधानी काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेश नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच भारत ने 800 से अधिक लोगों को निकाला है। नेक्स्ट, के ऑपरेशन परिवर्तन निम्न में से किसकी पहल है? कर्नाटक सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार या केरल सरकार?
तो ऑपरेशन परिवर्तन वह है आंध्र प्रदेश सरकार की यह एक पहल है। डिटेल में देख लेते कि इसका उद्देश्य था भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजा की खेती और तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत पुलिस ने राज्य भर में विभिन्न जिलों में अवैध तरीके से तस्करी की जा रही भारी मात्रा में गांजा जैसे मादक पदार्थ जब्त किए। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम निम्न में से कहां पर शुरू किया गया? क्या अटारी बॉर्डर पर, डोकलाम में, या सियाचिन ग्लेशियर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सियाचिन ग्लेशियर पे शुरू किया गया। प्रारंभ हुआ था यह 2021 में और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। यह देश भर से जुड़े शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की एक टीम द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करने का एक अभियान है। इसके तहत चुने गए दिव्यांगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पूरा सियाचिन ग्लेशियर वर्ष 1984 ऑपरेशन मेघदूत में भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था। नेक्स्ट की सीमा सुरक्षा बल जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन वायु, या ऑपरेशन शक्ति? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑपरेशन सर्द हवा, यह चलाया गया था। जनवरी में शुरू किया गया यह एक साप्ताहिक अभ्यास है जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य था कि राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जाँच करना। यह ऑपरेशन भारत के गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट के ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा चलाया गया एक अभियान है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेशन वनीला जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। डिटेल में देख लेते हैं कि जनवरी 2020 में इसको प्रारंभ किया गया था और भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डाइने से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की। ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना के पोत INS इरावत को इस मिशन में लगाया गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट के भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन संकल्प, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। भारत इसका प्रारंभ हुआ था 19 जून 2019 को। भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में यह अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन के लिए अब तक 23 युद्धपोतों को तैनात किया गया है और खाड़ी क्षेत्र में हर दिन औसतन 16 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट की भारतीय ऑपरेशन मेघदूत का संबंध निम्न में से किससे है? क्या सियाचिन ग्लेशियर से है, स्काई चीन, कच्छ का रण, या डोकलाम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सियाचिन ग्लेशियर, यह करेक्ट है। डिटेल में देख लेते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का कोड नाम था जिसके तहत सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वाया गया था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट ऑपरेशन विजय का संबंध निम्न में से किससे है? गोवा का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, या हैदराबाद का भारत में विलय, या सिक्किम का भारत में विलय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन विजय गोवा का भारत में विलय, यह करेक्ट है।
डिटेल में देख लेते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा है। गोवा की आजादी और इसे भारतीय संघ में मिलाने के 18 और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय नामक एक पूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने सशस्त्र कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त करा लिया है। हर साल 19 दिसंबर को गोवा आजादी दिवस ऑपरेशन विजय की उपलब्धि को मनाने के लिए मनाता है। नेक्स्ट के हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? क्या ऑपरेशन हॉकी, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन टेनिस या ऑपरेशन बुडरोज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑपरेशन पोलो यह चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से हटाकर हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। गृह मंत्री सरदार पटेल ने के आदेश पर हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई और भारतीय सेना ने निजाम को सेना को हरा दिया। निजाम की सेना को हरा दिया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।